आज मैं राइड के लिए निकला हूँ खरियार रोड उड़ीसा के लिए। ये जो राइड है वो कुछ काम की वजह से मैं खरियार रोड जा रहा हूँ, क्योंकि लेट से निकला, आज लेट से निकलना हुआ, 8:30 बज रहे हैं तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी आगे राइड करने पे। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग मुझे 2.5 घंटे का राइड करना पड़ेगा, ही चलना पड़ेगा, और इस धूप से बचने का तो कोई उपाय है नहीं, बट कोई नहीं, इतना मैं राइड कर सकता हूँ, चलो चलते हैं आगे। ये जो आप टोल नाका देख रहे हैं वो एकमात्र टोल नाका है इस हाईवे का जिधर मैं जा रहा हूँ, और ये है महानदी रिवर, इसको मैंने अपने ब्लॉग में कई बार दिखाया है, पिछले बार नौ पारे वाले ब्लॉग में भी होगा, ये अच्छा है। अभी मैं इधर से जाऊंगा महासमुंद के लिए, महासमुंद लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है रायपुर से, और मैंने लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, और जो मैंने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसके लिए मैंने लगभग 30 मिनट का टाइम लिया बस, क्योंकि रोड अच्छे थे, और शायद यहाँ पर कुछ चेकिंग चल रहा है पुलिस वालों का। आगे जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही नेरो होने वाला है, क्योंकि एक कांगी रोड होगा, थोड़ा सा वन वे, कोई नहीं, बट धीरे धीरे चलना है, पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक भी रहेगा। और अभी मैं पहुंच गया हूं महासमुंद, ये है सेकंड लार्जेस्ट टाउन बिफोर उड़ीसा बॉर्डर, मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर के पहले, इसके बाद आएगा बागबाहरा, वो सबसे आखिरी का टाउन होगा, ये भी शहर के बीच से होके जाता है ये वाला रास्ता। अब थोड़ा सा अच्छा रोड आ गया है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, तो मैं थोड़ा राइड कर रहा हूँ, अच्छे स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ, 82, 80, 90 में, अच्छा लग रहा है, और रोड भी काफ़ी खाली है। आगे इस तरफ जो दाएं तरफ जो रोड गया है उधर मेरी बुआ का गांव जाता है, यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो, तो कभी और जाना होगा तो जाऊंगा उधर। और यहाँ पर भी पुलिस वालों का कुछ चेकिंग चल रहा है, खैर मेरे पास तो सब सामान है, कागजात है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जनरल चेकिंग हो रहा है। अभी मुझे यहाँ से थोड़ा पहाड़ वगैरह दिख रहा है, आप लोग को भले दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे यहाँ से पहाड़ नज़र आ रही है, तो मैं उसको शो करूँगा। और काफ़ी धूप है, लगभग यहाँ से मैंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और ये जो ऑफ रोडिंग की जगह आ गई है, रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ ओवरब्रिज बनने वाला है, तो इसीलिए कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, और ये रोड शायद 4 लेन भी होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा कार्य प्रगति पर है, थोड़ी सी मुझे ऑफ रोड करनी पड़ रही है, बट कोई नहीं, हो जाता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत देर से इस ट्रक के पीछे हूँ, आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। इधर जो मेरे दांत बाएं तरफ जगह देख रहे हो, वहाँ पे खेती हुई है कुछ अलग प्रकार की, इसलिए कुछ अलग प्रकार की सिल्वर कलर की जो पॉलीथीन है उससे ढका गया उसको, अब ये मुझे क्या है समझ भी नहीं आ रहा है, खैर जो भी हो कमेंट करके बता दीजिए, किसी को पता होगा तो। और फिर अच्छे वाले रोड में आ गया हूँ,
ये भाई साहब देखिए, पुलिस वाले हैं और हेलमेट नहीं पहने हैं, ये तो गलत बात हो गई ना। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, रोड चौड़े हो ही रहे हैं, तो अभी इस तरफ पूरा रोड का आधा पोर्शन तो बन गया है, बट आधा पोर्शन बचा हुआ है अभी, और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा और नीचे का रोड ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। तो यही है राइड का मज़ा, ऑफ रोड ऑन रोड। और अभी मैं आ गया हूँ बाग बहारा, बाग बहारा का रेलवे स्टेशन है वो, और ये है आखिरी टाउन छत्तीसगढ़ का, इसके बाद आ जाएगा उड़ीसा का बॉर्डर। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी। ये भी जो रास्ता है वो बीच शहर से होके जाता है, और बीच बीच में तो बहुत सारे ट्रैफिक को सामना करना ही पड़ेगा। फिर से अच्छे वाली रोड, तो फिर अपने राइड का मज़ा ले रहा हूँ अपने ही अंदाज में। मुझे अच्छा लगता है जब फ्री रोड आता है और ऐसे स्मूथ रोड आता है। तो आसपास तो पहले जंगल हुआ करता था, अभी थोड़ा सा खेती वगैरह हो रहा है यहाँ पे, पेड़ वगैरह को काट के खेत वगैरह बना दिए हैं। जब मैं बचपन में इधर आता था तो पूरा जंगल हुआ करता था। अब मैं पहुँचने वाला हूँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर पर, तो जो उड़ीसा आएगा वो इस नदी के आगे आएगा, और जो बॉर्डर है वो किस नदी पर है मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और इस पुल पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड वन वे हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है सामने से आने वाली गाड़ियों को और मुझे भी, बट समहाउ आई विल हैव टू मैनेज। अब मैं पहुंच गया हूँ उड़ीसा में, मेरे पीछे था छत्तीसगढ़। तो अभी चलते हैं खरियार रोड, ये थोड़ा सा रेलवे क्रॉसिंग आ गया है। धूप में ऐसे रुकना बीच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, रेलवे फाटक में तो रुकना ही पड़ेगा। अभी मैं आ गया हूँ खरियार रोड, और खरियार रोड से होके गुजर रहा हूँ। ये पहला बड़ा टाउन है उड़ीसा का। सो फ्रेंड्स, मैं अभी पहुँच गया हूँ खरियार रोड से आगे थोड़ा दूर में। अभी नुआपाड़ा इधर है लगभग 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर से वहाँ से फिर लगभग 15 से 16 किलोमीटर में पतोरा डैम है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। ये पुलिस वाले अंकलों ने हेल्प किया मेरा, और कंटिन्यू 2 घंटे से राइड कर रहा था तो सोचा पानी वानी पी लूँ, ऐसे करके रुक गया था। तो ये मेरा नया व्लॉगिंग सेटअप है, मैंने DSLR लिया था अभी कुछ दिन पहले, इसमें व्लॉग कर रहा हूँ। देखिए साउंड कैसे आ रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, धूप हो गया, तो मुश्किल हो जाएगा राइड। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे पतोरा डैम में कहीं पे रुक जाऊँगा, वहाँ पे लंच वगैरह करूँगा, फिर वापस यहीं पे आ जाऊँगा भैया के यहाँ, फिर दोपहर को आराम करने के बाद मैं शाम को रिटर्न हो जाऊँगा। तो चलो अभी चलते हैं आगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ नुआपाड़ा, ये नुआपाड़ा सेकंड लार्जेस्ट टाउन है उड़ीसा का, और यहाँ से मैं मैप में देख रहा हूँ कि आगे से मुझे लेफ्ट कहीं पे मुड़ना है पतोरा डैम के लिए। तो ये मैंने रास्ता ले लिया है, इस रास्ते से मुझे जाना है। थोड़ी सी पतली रोड है, शायद ऑफ रोड भी आ जाए आगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी से पूछ लिया जाए यही रास्ता गया है पतोरा डैम के लिए कि नहीं, क्योंकि कई बार गूगल हमको भटका देती है। तो चलो थोड़ा पूछ लेता हूँ मैं लोग से। पतोरा डैम के लिए इधर गया है पतोरा डैम?
इधर मेन रोड से निकल के मतलब किधर भाई घाटा जाएगा ना नया पाड़ा तो क्रॉस कर लिया नया पाड़ा तो क्रॉस कर लिया क्या रोड गए पकोरा डैम ये रोड से अच्छा कौन भाई बाहर से घर में गए तो इन्होंने तो रोड बताया कि इस तरफ मुड़ना है मैं इसी तरफ रास्ते में आया हूँ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो नहर गई है उस नहर के किनारे किनारे एक रोड गई है उसको आप पकड़ लो और उस नहर के किनारे किनारे आप सीधे पहुंच जाओगे पथोरा डैम क्योंकि अभी तो सूखा हुआ है इधर पानी इधर आया नहीं है मैं आगे जाऊंगा तो शायद थोड़ा पानी दिखे तो मैं ये रास्ता पकड़ लिया हूं और लेकिन दोनों तरफ देख रहा हूं हरियाली बहुत ज़्यादा है कि हमेशा यहाँ सिंचाई के लिए पानी चलते रहता है गर्मी की वजह से पानी नहीं है अभी थोड़ी सी रोड ख़राब है बट Somehow I will have to manage. जैसा कि आप देख सकते हो इस तरफ पानी है और इस तरफ है रोड पानी जो कि भरा हुआ है नहर पे तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी आ गया अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा इतनी गर्मी में अगर ऐसा पानी देख लोगे तो अच्छा लगता है तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग मीन्स मैं ही अकेला आया हूँ पथोरा डैम उधर है नीचे ये मंदिर है यहाँ से मंदिर के लिए जाने का है मैं गाड़ी यहाँ पे रख दिया हूँ पार्क कर दिया हूँ और सामान है सामान को थोड़ा उठा के ले जाना पड़ेगा तो अंदर चलते हैं और देखते हैं अभी पानी नहीं है पथोरा डैम में लेकिन बहुत धूप है यार एक्चुअली मैं रास्ता भटक गया था इसलिए लेट हो गया तो चलो चलते हैं अंदर अभी फाइनली पथोरा ये पथोरा विलेज है पथोरा विलेज का ये डैम है जो मेरे पीछे जो दिख रहा है पूरा डैम है यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है अभी भरा ही नहीं है दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा डैम है ये पूरा डैम है पानी अभी कम है तो वहाँ तक फैला हुआ है और ये पथोरा डैम का मंदिर है छोटा सा शिव जी का मंदिर है मैं उधर से आया हूँ और अभी बहुत ज़्यादा धूप है इट्स 12:15 इन द आफ्टरनून बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं और एक दिक्कत हो गया मेरे साथ कि मैं जब मैं अपना रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें SD कैम में हेलमेट में जो कैमरा लगा उसका माइक लगाना भूल गया था और पूरा रिकॉर्डिंग मेरा गया मतलब पूरा बर्बाद हो गया तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा फिर कुछ और तो चलो अभी मंदिर वगैरह चलते हैं शायद कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होगा अंदर में तो मैं यूज़ नहीं करूँगा और शिव जी का मंदिर ये मतलब पहाड़ के ऊपर है टॉप फ्लोर पे बना हुआ है इसलिए पूरा एकदम ऐसे दिख रहा है तो यहाँ से जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है मंदिर भी अच्छा बना हुआ है बढ़िया मैंने दर्शन कर लिया वहाँ पे अब मैं अभी आया हूँ यहाँ पर टॉप फ्लोर पे अब उधर जो आप लोग दो देख रहे हैं वो बांध है मेनली जो बांध है वो है और पानी तो कम है अभी ये जो बांध है वो जोंक नदी पे बना हुआ है जोंक नदी लगभग 210 किलोमीटर लंबी नदी है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है एक महानदी की सहायक नदी है तो ये जो सामने जो दिख रहा है अभी तो पेड़ में पूरा छप छुप गया होगा दिख नहीं रहा होगा कुछ वहाँ से पूरा पानी उधर जाता है सिंचाई के लिए नहर में और अभी मैं जाता हूँ डूमर पानी खरिया रोड के पास ही गांव है भैया के यहाँ दोपहर को वहीं रुकूँगा फिर शाम को मैं रिटर्न हो जाऊँगा रायपुर के लिए वहाँ कुछ काम है वो काम निपटाऊँगा फिर चले जाऊँगा चलते हैं अब वापस क्योंकि मेरा बैग वहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे कुछ कोई देखने वाला नहीं है चोरी हो जाएगा बहुत ज़्यादा गर्मी है मैं वापस आ गया
अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, कोई सजेशन सुझाव देना हो तो। अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का नहीं था, मुझे राइट करना था और कुछ काम निपटाने थे, इसलिए मैं आया था। तो अब चलते हैं एंड इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। राइड सेफ, ऑलवेज योर हेलमेट, बाय। तो मैं गांव में रुक गया था भैया के यहाँ, अभी चलते हैं, जो काम था वो काम भी निपट गया, हो गया। और अभी इट्स 5:43 इन द इवनिंग, तो मुझे 2 घंटे तो लगेंगे ही जाने में।